हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ समांतर श्रेणी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2015 में 2017 में पूछा गया, ये 2017 में, ये 18 में। तो आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। हमें इसका यनवा पद ज्ञात करना है। तो आइए इसके लिए हमें सबसे पहले ए और डी का मान पता करना पड़ता है। तो आइए ये जो हमारा ये प्रथम पद होता है, इसी को हम ए से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं a = 2। और डी कैसे निकाल दें, किसी भी पद में से, मतलब कि ये दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे तो डी का मान आ जाएगा। जैसे दूसरा पद है 4 में से 2 को घटाएंगे तो डी का मान आए। तो इसी प्रकार d = 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये हो गया। जैसा कि एक फार्मूला होता है वो आप लोग जानते होंगे, वो फार्मूला है ये नवा पद का फार्मूला, tn = होता है a + n-1 × d। इसी फार्मूले से हमें nवे पद का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं अब इसमें a का मान, देखिए a का मान दिया और d का मान दिया, इसे हम आराम से निकाल सकते हैं। tn = a का मान 2 प्लस n का मान नहीं दिया, इसे रहने दीजिए, d का मान दिया है 2 प्लस में, इससे इसमें मल्टीप्लाई करा दी। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करके टोटल लिख दे रहे हैं, या हो जाएगा 2 से n में होगा तो 2n - 2। ये देखिए ये +2 ये -2 ये आपस में कट जाएंगे, तो tn = टोटल हो जाएगा 2n। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे ही करना था। आइए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8। दसवां पद ज्ञात करना है, दसवां पद ज्ञात करना। तो इसके लिए भी इसी फार्मूले में रखेंगे, क्योंकि हमें n का मान दिया है, t10 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम लिखेंगे क्योंकि ये जो होता है यही n का मान है, t10 = होता है a + n का मान दिया है। अभी हम ऐसे लिख लेते हैं, अभी n का मान लिख n-1 × d, क्योंकि t10 हमें ज्ञात करना है। t10 = अब हम सभी मान रख लेते हैं। इसमें भी हमें वो देखिए यहाँ पर जो a का मान यहीं पर लिख लेते हैं, a = 2। ये जो प्रथम पद होता है ये होता है, और द्वितीय पद में से प्रथम को घटा देंगे तो d का मान आ जाएगा, जो d = 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये देखिए ये हुआ। तो अब हम लिखेंगे t10 = a का मान यहाँ से लिख लेंगे 2 प्लस में, अब n का मान चूँकि दिया है यहीं पर n का मान भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर n = 10, n का मान भी लिख लेंगे। अब देखिए ये हो गया, तो 2 प्लस में अब n का मान दिया है 10, तो इसे भी ले लेंगे 10 - 1 × d का मान हुआ 2। अब लिख लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 + 10 में से 1 घट जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 से 2 में गुणा कर देंगे तो 9 × 18 हो जाएगा। तो t10 = आ जाएगा 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे ही हमें करना है। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो कि दिया है 4 + 8 + 12, इसमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो
तो इसमें सबसे पहले हम ए को निकाल लेते हैं, ए बराबर हमारा होता है यही प्रथम पद ए होता है, और दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो डी आ जाएगा, तो आठ में से चार को घटा देंगे तो आ जाएगा चार, क्योंकि हमें पता है कि पदों का योग का फार्मूला जो होता है एफ एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू बराबर एक टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, यही होता है। तो इसमें हमें दस पदों का यानी कि एन का मान भी दिया है, एन बराबर भी लिख लेते हैं दस, बस सब कुछ दिया। अब इसमें मान पुट कर लेंगे, एस टेन इज इक्वल टू हो जाएगा, एन का मान दिया है यहाँ से लिख लेंगे टेन बाई टू, ये हो गया टू, यहाँ लिख लेंगे गुणे में ए का मान दिया फोर, इसे भी लिख लेंगे प्लस का चिन्ह, अब एन का मान दिया है टेन माइनस वन इंटू में डी का मान हो फोर, लिख लेंगे एस टेन इज, इसे इसे काट देंगे तो पांच बार में कट जाएगा पाँच, इससे इसमें गुणा करेंगे चार दूनी का आठ हो जाएगा, प्लस में दस में से घटेगा नौ, और नौ से जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा छत्तीस, ये हो गया छत्तीस। एस टेन इज इक्वल टू ये पाँच ब्रेकर में छत्तीस चार, ये हो जाएगा चौवालीस, इसमें इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा दो सौ बीस एस टेन, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना।